उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के संदर्भ में एक बैठक आयोजन किया गया। इस अवसर पर ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष यह अभियान 3 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिस दिन 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक 2 बूंद के रूप में पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 5 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग ICDS विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर पोलियो की खुराक भी देंगे। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए मंडी जिला में 1103 बूथ लगाए जाएंगे, जिसमें लगभग 80,000 बच्चों को खुराकें पिलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त पहले दिन 10 अस्थायी बूथ पर भी खुराकें पिलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पल्स पोलियो अभियान का पूरे विश्व से पोलियो जैसा घातक बीमारी को समाप्ति की ओर ले जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अभियान को सफल बनाने के लिए 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को 3 फरवरी को पोलियो बूथ पर लाकर पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। आज हमारी मीटिंग थी DC साहब की अध्यक्षता में हुई। ये इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारा 3 फरवरी को इस साल मनाया जा रहा है, इसी के संदर्भ में हमने अपने ब्लॉक मेडिकल अफसर, अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, आयुर्वेदिक अफसर और DPOs ने जानकारी दी कि हम 3 तारीख को पूरे प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान चला रहे हैं, जिसमें 0 से 5 साल के बच्चे तक को पल्स की 2 बूंदें उस दिन पिलाई जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि उस दिन 100% हमारी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, और इसीलिए जितने भी विभाग हमने बुलाए थे उन सब से हमने सहयोग मांगा है कि 3 तारीख को सब लोग हमारे साथ सहयोग करें और 0 से 5 साल के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएँ और उनको पोलियो होने से बचाएँ। ये हमारा सारे प्रदेश में आपके माध्यम से संदेश।